आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हेलो एवरीवन आज का हमारा क्वेश्चन है डस डेबिट ऑलवेज मीन्स इंक्रीज एंड क्रेडिट ऑलवेज मीन्स डिक्रीज क्या डेबिट का मतलब हमेशा इंक्रीज होता है और क्रेडिट का मतलब हमेशा डिक्रीज होता है तो अगर हम बात करें अकाउंट्स की तो हमारे पास बेसिकली अकाउंटिंग में टू टाइप्स के अकाउंट होते हैं पर्सनल और इम्पर्सनल इम्पर्सनल में दो आते हैं हमारे पास रियल एंड नॉमिनल और अगर हम बात करें पर्सनल अकाउंट की तो इसका रूल क्या होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द कीवर मतलब जो रिसीवर है उसको डेबिट किया जाएगा और जो है उसको क्रेडिट किया जाएगा रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट वोज आउट जो आएगा उसको डेबिट करना है और जो जाएगा उसको क्रेडिट करना है और नॉमिनल कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसिस एंड एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स मतलब एक्सपेंसिस को हमें डेबिट करना है और हमें इनकम्स को क्रेडिट करना है तो अब बताओ ये अब स्टेटमेंट देखते हैं स्टेटमेंट क्या है डस डेबिट ऑलवेज मींस इंक्रीज एंड क्रेडिट ऑलवेज मींस डिक्रीज इज नो अगर हम बात करें नॉमिनल की तो एक्सपेंसेस क्या होंगे डेबिट डेबिट तो debit कर रहे हैं मतलब वो इंक्रीज हो रहे हैं ओके okay? और अगर कोई इनकम होगी तो उसको क्रेडिट करेंगे तो अगर इनकम हुई मतलब इंक्रीज हुआ तो उसको क्रेडिट किया जाएगा तो ये क्या स्टेटमेंट ठीक हुई कि डेबिट ऑलवेज मीन इंक्रीज एंड क्रेडिट ऑलवेज मीन डिक्रीज द आंसर इज नो वो तो डिपेंड करेगा कि वो कौन से अकाउंट को बिलोंग करता है सो द आंसर इज फॉल्स ओके थैंक यू क्लास से लेकर नीट आई आई टी जे मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर